कंपनी के वित्तीय विवरण पांच होते हैं जो मुख्य रूप से एक कंपनी बनाती है। सबसे पहला होता है स्थिति विवरण, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। दूसरा होता है लाभ हानि विवरण। जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। तीसरा होता है रोकड़ प्रवाह विवरण। इसे हम अंग्रेजी में कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। चौथा होता है क्षमता में परिवर्तनों का विवरण, चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। और पांचवा होता है स्पष्टीकरण नोट। तो एक कंपनी जो है वो निम्न विवरण बनाती है, पांच स्थिति विवरण कहलाते हैं, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 के अनुसार इनको हम कंपनी के स्थिति विवरण में शामिल करते हैं। तो ये पांच स्थिति विवरण होते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये कि बैलेंस शीट कंपनी की कैसे बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर इसका एक निश्चित फॉर्मेट दिया गया है, जो कि हमारे कंपनी अधिनियम जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची थर्ड के भाग फर्स्ट, किसमें दिया गया है, सॉरी लिखता हूं, अनुसूची थर्ड, इसका भाग जो फर्स्ट है, इसमें हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है, जो निश्चित है, निर्धारित है, और उसी क्रम में बैलेंस शीट को बनाना पड़ता है। तो कैसे बनता है ये? सबसे ऊपर आता है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम आएगा, फिर हम लिखेंगे बैलेंस शीट, और इसके नीचे आता है एज एट करके, और इसके बाद डेट, जिस भी तिथि को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। चूंकि ये बैलेंस शीट जिस दिन बनाई जाती है उसी दिन की स्थिति बताती है, इसलिए हम इसे व्यापार का आईना भी कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कॉलम बनते हैं, देखो चार कॉलम होते हैं मोस्ट रूप से, मुख्य रूप से तो वैसे तीन ही होते हैं, तो ये तो होता है पार्टिकुलर, ये होता है नोट नंबर, ये करंट ईयर अमाउंट, और ये प्रीवियस ईयर अमाउंट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने का उद्देश्य होता है कि हम हमारी संपत्ति और दायित्वों की गत वर्षों से तुलना कर सकें, ताकि हमें ये पता रहे कि किन किन चीजों में हमारी इंक्रीज हो रही है, किन में डिक्रीज हो रही है, किन में हमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बनता है
इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसका हेड होता है, दो पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के, एक तरफ हमारी लायबिलिटीज होती है, दूसरी तरफ असेट्स होती है। तो इसमें सबसे पहले निर्धारित फॉर्मेट है, इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहले लिखी जाती है, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमारा आता है असेस्ड। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट कह देते हैं। अब इसके अंदर मुख्य रूप से केवल शीर्षक और उपशीर्षक लिखे जाते हैं। शीर्षक जैसे नंबर एक शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती हैं, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, और सी आता है हमारे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। इसे हम शीर्षक बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड, और ये जो तीन है ये इनके उपशीर्षक कहलाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। इनका क्रम निश्चित होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज को भी चार भागों में बांटा जाता है। ये शीर्षक इसके चार भाग हैं, ए जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग से, बी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, सी आता है इसके अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और डी आती है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कार इसके चौथा भाग होता है करंट लायबिलिटीज। इसके भी चार भाग हैं, करंट लायबिलिटीज शीर्षक के भी चार उपशीर्षक हैं, जिनमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दूसरा आता है हमारे ट्रेड पेबल्स, तीसरा आता है हमारे अदर करंट लायबिलिटीज, और चौथा आता है इसके अंदर हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
और नीचे आ जाता है इसका टोटल। इसके बाद सेकंड पार्ट शुरू होता है असेस्ड का, और असेस्ड के अंदर भी शीर्षक दो हैं और उन दो शीर्षक के अंदर उपशीर्षक दिए गए। तो निर्धारित इसका फॉर्मेट होता है, इसका टोटल और असेस्ड का टोटल दोनों में बराबर आएगा। चूंकि आप लोगों ने ये बैलेंस शीट याद कर ली है, पढ़ लिया है, तो हम आगे बात करते हैं इसमें कि इनके अंदर एक जब सवाल होता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे अमल करते हैं। जैसे सपोज करिए कुछ चीजें हम यहाँ ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। हमें एक बैलेंस शीट बनानी है और उसमें हमारे ये दी हुई है इक्विटी शेयर पेपर दी हुई है 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट शेष दिया हुआ है 50,000, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000, डिबेंचर दिए हुए हैं 1 लाख के, बैंक लोन दिया हुआ है 10,000 का, और इसी प्रकार हमारे क्रेडिटर्स दिए हुए 5,000 के और बिल्स पेबल दिए हुए हैं 10,000 के। अब इस सवाल को हम बैलेंस शीट में कैसे लिखें? तो जैसे बताया है कि बैलेंस शीट के अंदर केवल शीर्षक और उपशीर्षक लिखे जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो बैलेंस शीट में ये मदें कहाँ आएंगी ये हमें याद करनी है कि शेयर कैपिटल में उपशीर्षक के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो उपशीर्ष है उसके अंदर किन किन मदों को लिखा जाता है, और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कौन कौन सी मद आती है, करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी मद आती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में कौन कौन सी मद आती है, प्रोविजंस के अंदर कौन कौन सी मद आती है, ये हम देखेंगे। जब हमें ये पता लग जाता है कि ये मदें किस शीर्षक के अंतर्गत आती है तो हमारा सवाल करना आसान हो जाएगा। जैसे हम बात करें, याद कर रखा है, हम इन दोनों को शेयर कैपिटल के अंदर दिखाते हैं। किसमें आती है ये दोनों? शेयर कैपिटल। ये दोनों जो मदे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व, दोनों हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आती है। डिबेंचर दीर्घकालीन होता है, लोन होता है, और लोन आता है बोरोइंग्स में, उधार, जिसके अंदर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और बैंक लोन भी लॉन्ग टर्म होता है स्पष्ट सूचना के अभाव में। तो ये हमारे आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। क्रेडिटर्स हमारे आते हैं ट्रेड पेपर में। जब हमें पता लग जाए कि कौन सी मद किस में आती है तो आसानी हो जाती है। तो किसी भी मद को हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते, इनके नाम बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएंगे, बल्कि शेयर कैपिटल में कितनी राशि आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस में कितनी राशि लिखी जाएगी,
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कितनी राशि लिखी जाएगी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज में कितनी राशि लिखी जाएगी, इसकी गणना करने के लिए नोट टू अकाउंट बनाया जाता है जो बैलेंस शीट के नीचे ही बनाया जाएगा। और नोट टू अकाउंट के अंदर इस तरह से हम लिखेंगे नोट टू अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर दो ही कॉलम होते हैं, अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर का, लेकिन अमाउंट के हम कितने ही एक कॉलम बढ़ा सकते हैं गणना करने के लिए जितनी आसानी हो हमारे। जैसे हमारे ये हमारा पर्टिकुलर्स और ये हमारा अमाउंट, तो पर्टिकुलर्स में हम जिस उपशीर्षक की राशि ज्ञात कर रहे हैं उसको लिखेंगे, क्रम संख्या देंगे एक। और जिसे हमें शेयर कैपिटल की राशि ज्ञात करनी है, उपशीर्षक में कितनी राशि आएगी, शेयर कैपिटल लिखा, अंडरलाइन किया। अब हम देखते हैं हमारे सवाल के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन सी मद आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, और फिर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। केवल ये प्रश्न के अंदर जो दिया गया है उसके अंदर यही दो मद आती है, इन दोनों को लिखेंगे और दोनों का योग कर देंगे, ठीक है। जब इसका योग हो जाता है तो शेयर कैपिटल की राशि शेयर बैलेंस शीट के अंदर लिखी जाती है कि शेयर कैपिटल का टोटल कितना आया, और वो राशि यहां लिखी जाएगी शेयर कैपिटल करंट ईयर अमाउंट है इसका। अब बात आती है 3 लाख कहां से आए, तो इसके अंदर ये जो कॉलम होता है नोट नंबर का, जिस क्रम संख्या पे हमने नोट बनाया है उसकी क्रम संख्या लिखी जाएगी। जैसे एक नंबर पे बढ़ाया हमने, एक नंबर लिख दिया ताकि इससे पता रहेगा कि शेयर कैपिटल नोट नंबर एक में राशि लिखे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आई है। दूसरा, जैसे हम बात कर रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आया है, पी एंड एल अकाउंट और जनरल रिजर्व। पी एंड एल में राशि है 50,000 और इसमें राशि है 20,000, दोनों का योग किया 70,000। तो हम यहां बी नंबर लिखेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि इसका बी नंबर है, रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, नोट नंबर इसका बनाया है 2, और नोट नंबर 2 बनाने से अमाउंट आई है इसकी 70,000। तो हम बैलेंस शीट के अंदर वर्णन नहीं करेंगे, वर्णन करने के लिए नोट टू अकाउंट होता है और नोट टू अकाउंट की सहायता से ही बनाया जाता है। ऐसे ही हमारा तीसरा, जैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के दो इन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग सॉरी, इसमें भी लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, डिबेंचर और बैंक लोन। डिबेंचर है 1 लाख के और बैंक लोन लिया गया है 10,000 का, अंडरलाइन करेंगे 1,10,000। तो हमारे ये आया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ए, इसके लिए नोट नंबर बना है 3 क्रम संख्या दी है और उसकी राशि कितने आए 1,10,000। ऐसे ही हम चौथे नंबर पे नोट बनाएंगे, चूंकि ये अकेली है सॉरी 2 है इसमें, मैं मिटा देता हूं, एक सिंगल हैंडेड है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आते हैं ट्रेड पेबल में, ट्रेड पेबल होती है चौथे नंबर पर जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं, उसके अंदर
उसके अंदर भी इसका बी पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट नहीं है, बी पॉइंट है, ट्रेड पेपर। तो चूंकि इसमें एक ही है तो भी इसे सीधा नहीं लिखेंगे, इसके लिए भी हमें नोट बनाना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे ट्रेड पेपर, और ट्रेड पेपर में हमारा आता है क्या आता है, क्रेडिटर्स, कितने रुपए, 5,000। सीधे ही अमाउंट के लास्ट पे कॉलम में लिख दो 5,000। तो यहाँ आ गया नोट नंबर 4। और जब हम पास्ट में इसका कर देंगे टोटल, तो इस तरह से बैलेंस के असेट भाग को भी इसी तरह बनाया जाता है जिस तरह हमने अब लायबिलिटीज भाग को बनाया है। इसमें एक चीज और आती है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की गणना इस तरह से होती है, अगर सिंपल रूप में दिया गया है, लेकिन पूंजी जो है वो निर्गमित पूंजी भी होती है, अधिकृत पूंजी भी होती है, सब्सक्राइब कैपिटल भी होती है। तो उस पूंजी की गणना अलग तरीके से की जाती है, नोट ऐसे ही बनेगा लेकिन उसकी गणना का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा आ जाता है, जो आपके एग्जांपल फर्स्ट में दिया गया है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें बैलेंस शीट को किस तरह से करना है, ठीक है।